सभी किसान भाई इस महाआंदोलन में भाग लें। ये जो कृषि कानून है ये देश की 98% जनता को प्रभावित करें। गाजीपुर बॉर्डर के अंदर हमें और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर के अंदर लंगर चल रहा है, पीछे देख रहे हैं बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। किसी धर्म किसी जात की कोई बात नहीं, जो भी आए इस लंगर में खाना खाए और अपने जो किसानों के आंदोलन है उसमें शामिल हो जाए, हो या नहीं हो आए और खाना खाए, कोई दिक्कत नहीं। और ज़बरदस्त खाना हमने खाया, हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हर बार ऐसी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही है हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब। जैसे बरातों में खाना खाते हैं ना, बरात में शादियों में सारे लोग आते हैं, सब लोग खाना खाते हैं अपने आराम से और बैठे हुए। भाई साहब खाना खाया आपने? हाँ जी। कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत किसानों का नमक खा लिया? तो किसान लोग हैं, सब लोगों का हम लोग नमक खा रहे हैं ईमानदारी के साथ। और साथ ही मैं अपना बैग भी थोड़ा सा आगे कर दीजिए क्योंकि मैंने जूते पहन लिए हैं। देखिए जूते उतारे और यहाँ पे हमने खाना खाया आराम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ सभी लोग खाना खा रहे हैं, कोई भी आए किसी धर्म का आए कहीं से भी आए खाना खाए और चला जाए। सभी किसान भाई इस महाआंदोलन में भाग लें। ये जो कृषि कानून है ये देश की 98% जनता को प्रभावित करें। सिर्फ मैं ये बात कहना चाहूँगा जो भंडारण पे उन्होंने लिमिट खत्म करी उससे जो है देश की 98% व्यापारी हो छोटा सर्विसमैन हो मजदूर हो किसान तो प्रभावित है ही। आप उस पर ध्यान करो जो भंडारण पे काला बाजारी बढ़ेगी। तो मैं सभी अपने देशवासियों से अपील करूँ कि इस आंदोलन में भाग ले और ये कानून वापस करवाएं जिससे देश की तरक्की हो। देश की तरक्की के लिए किसान अपने आंदोलन में जारी है और यहाँ देख रहे हैं हमारे कितने सारे नौजवान साथी हैं लंगर खिला रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे लंगर खा लिया है। हमारी पूरी टीम आई और पूरी टीम को बहुत ही प्यार से वहाँ उस जगह पे बैठा के इन्होंने लंगर खिलाया और उम्मीद करते हैं कि जो सरकार है वो MSP के बारे में समझे और देश के जो किसानों की मांगे हैं उनको आगे जिस तरीके से समर्थन मूल्य है उस समर्थन मूल्य को सभी जगह लागू करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और यहाँ सभी लोगों का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं।